Yes. So now in this video, we will be doing, as we have understood the concept of mood. Now, obviously, we will apply that concept and solve our questions, right? As I always tell, जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमेशा पहले क्या करो एग्जाम्पल्स करो. एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम्पल्स में काफी तरह के आपको मेथड पता चल जाते हैं. नंबर टू क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट? आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं. सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है रिलेटेड टू 14.2 विच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मूड, राइट? द विकेट्स टेकन बाय अ बोलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज. ये उसके विकेट्स उसने लिए, राइट? अब आपने क्या बताना है, मोड बताना. देखो दिस इज एन अनग्रुप डेटा, ये सिंपल है. इसको हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, बाय द प्रीवियस मेथड्स. क्या था वो बेसिक फंडामेंटल, कि हमारा जो मोड है दैट इज डिनोटेड बाय द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. कितनी बार कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, राइट? द रेपिटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट? सो मोड जो है इट इज डिनोटेड बाय द रेपिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? अब अगर हम इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, राइट? वो तो हमारा हमें चाहिए होता है, हम मीडियम में भी करते हैं, मोड में भी कर लेते हैं, राइट? सो इट्स 0 1 देन 2 2 2 देन यू हैव 3 3 4 5 6. यस ननिका, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोड इन दिस? इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? आपकी जो टू है बेटा वो थ्री टाइम्स रिपीट हुई, इसका मतलब हमारा मोड क्या आएगा बेटा, टू. और ये हमारा आंसर है. यस इट वाज सिंपल, इट वाज जस्ट अ वन मार्क क्वेश्चन, राइट? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल. अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड. ठीक है, ये हमारा गिवन है बेटा. हम यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक कॉलम मेथड में. हमें क्या इंटरवल्स गिवन है, 1 टू 3, 3 टू 5, देन 5 टू 7, 7 टू 9, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ 9 टू 11. फ्रीक्वेंसीज क्या है बेटा, 7, 8, 2, 2, 1. ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं. यस नाउ, यस तनीषा, व्हाट व्हिच क्लास विल आई चोज एज माय मॉडल क्लास? मैं मॉडल क्लास किसको लूं? How would I calculate my model class? हमें model class model लगा लो, right? मैम आपके आवाज नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? But मेरे यहाँ से तो बिल्कुल सारी चीजें फुल हैं यार. अच्छा रेंज तो फुल है भाई मेरे पास. हाँ जी, whoever is able to listen to me, वो मुझे बताए how will you calculate the model class? अब ये out of these five classes, which class will I choose as my model class? फॉर्मूला नहीं, पहले आप मॉडल क्लास तो चूज करोगे ना, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बिना मॉडल क्लास के? मॉडल क्लास तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. कौन सी लें मॉडल क्लास? क्या मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया है? यस दीपांशु, आप बताओ. यस यस बेटा, अरे मोड होता क्या है? मोड होता क्या है? हाँ जी मोड बताओ. जो ज्यादा बार तो यहाँ पे किसके पास सबसे ज्यादा रेपिटेशन है, कौन सी क्लास इंटरवल के पास है? 1 टू 3, 3 टू 5, 5 टू 7, 7 टू 9 या 9 टू 11, किसके पास सबसे ज्यादा है? 3 टू 5. तो ये हमारी क्या बन गई, मॉडल क्लास बन गई, राइट? ये क्या बन गई बेटा, मॉडल क्लास बन गई. अब मैंने आपको बताया है पेंसिल से हमेशा इसके आगे छोटा सा क्या लिख देंगे, 1, ये ऊपर क्या हो गया 2, एंड ये हो गया सॉरी ऊपर 0 नीचे 2. हम अपनी काउंटिंग लिख देंगे 0 1 2. ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू एल प्लस क्या था बेटा, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय इसको जरूर लिख लेना यहाँ पे. अब मतलब ये तो अपने लिए रूल बना लो कि हमने यहाँ पे लिखना है वैल्यूज को. एफ वन क्या है, 8. हमने सीधा सीधा उसको पुट नहीं करना,
इस चीज का हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है? इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सजेशन टू यू गाइस. मुझे पता है लिखना आजकल वैसे ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा कोशिश ये करो कि हम इसको साइड पे लिखें, ताकि जब आप वैल्यूज को, जब लास्ट में पेपर खत्म हो जाता है, जब हम उसको वेरीफाई करते हैं ना, जब हम क्रॉस चेक करते हैं, तब हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम टेबल में से देख देख के उसको वेरीफाई करें. तो इसीलिए काइंडली इसको साइड पे लिख लेना, सो दैट आपको जब आप रिविजन करो पेपर की, तो आपको दिक्कत ना आए, और गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. एल क्या है बेटा? हमने यहाँ पे लिखा है 3 प्लस एफ वन क्या है बेटा जी? 8 माइनस 7 यस ओवर 2F1 क्या बन जाएगा बेटा? 16 माइनस 7 माइनस 2 हाइट क्या है? 2 यस. तो इट विल बी 3 प्लस 1 ओवर यस 7 बाय सॉरी इनटू 2. तो ये हमारा क्या आएगा बेटा इसका आंसर? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा पेज इधर कर लेती हूँ. यस सो इट विल बी 3 प्लस 2 बाय 7, राइट? तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 23 ओवर 7. वैल्यू आप निकाल सकते हो 3.28. ये आपकी मोड आ गया, ठीक है जी? दिस इज योर मोड. इज दैट क्लियर? यस मैम. किस किस को समझ में नहीं आया है? मैम मुझे मोड वाला क्या नहीं समझ आया, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मेरे को पता है तुम हम नहीं समझ में आया, नहीं तो तुम और जवाब ना दो, मुझे हो नहीं सकता ऐसे. हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया अब मुझे ये बताओ? मोड वाला क्या नहीं समझ आया? मोड में, मोड क्लास बेटा, हमने ये देखना होता है हमारे पास जो भी डेटा है, अब किस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें से? देखो, एक तो है 7, 8, 2, 2, 1. तो सबसे मैक्सिमम कौन हुआ? 8, राइट? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आपने नोटिस करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना. वो आपकी क्लास बन गई मॉडल क्लास. एक बार आपने मॉडल क्लास लिख लिया, उसको छोटा सा सर्कल कर दो, और उसके साइड पे फ्रीक्वेंसी के साथ में छोटा सा 1 लिख देना. इससे क्या है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. हमारी होल नंबर्स की काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, राइट? तो 1 अगर हमने लिख दिया, तो इसके ऊपर वाला नंबर क्या बनेगा? 0. नीचे वाला क्या बनेगा? 2. तो उससे हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने F1 में क्या लिखना है, हमने F0 में क्या लिखना है, हमने F2 में क्या लिखना है. क्योंकि वहां हमसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज F1, व्हाट इज F2, व्हाट इज F0, किसी ने नहीं पूछना. उन्होंने पूछना है व्हाट इज मोड, ओके? और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे मार्क्स कटवा के आ जाते हैं, जबकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. इस पूरे स्टैट में सबसे इजी फॉर्मूला है ये, ठीक है? अब समझ में आया कि नहीं? आ गया? यस मैम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे. आ गया ना? चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं. अब देखो बेटा, अब इस केस में हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और आपको मोड और मीन, पहले आपने मोड कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने मीन भी कैलकुलेट करना है. पहले मोड मुझे बताओ क्या होगा. मोड क्या है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस किस में है? 3 तो नहीं है, 3 और 4 दोनों ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पर मेरे हिसाब से तो 1 है. अगर आप ध्यान से देखो, 1 जो है That is coming what up. 2, 3, 4. 5. तो मोड क्या हुआ? 1. 5. अपनी अपनी नोटबुक खोलो जरा. ये हमने मीन का, मीन का जो है फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया हुआ है. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मीन का, राइट? राइट? हाँ जी. यस मैम. हाँ जी. तो उसमें हमने क्या किया है, इसमें बताओ मीन की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में? हाँ जी. 59.3. हाँ जी. 59.3. हाँ, मैंने इसका टेबल, आई एम फाइंडिंग आउट द टेबल. टेबल इज 14.3. ये हमें मार्क्स गिवन है, हमें ये बुक में ना टेबल गिवन है, ठीक है?
अब टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा बन रहा है वो क्या है बेटा, एक सेकेंड रुकोगे, एक सेकेंड रुकना. यस, सो व्हाट इज एक्स आई, मतलब एक्स आई कैलकुलेट करना है. यस बेटा, 15. हाउ? 15 तो नहीं आ सकता एक्स आई. यस, हाँ जी बेटा. तनीषा क्या होगा बेटा इसका एक्स आई, क्या होगा एक्स आई, क्या होता है मिड वैल्यू. हम कैसे करते थे, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो क्या बनेगी, इट विल बी 17.5. नेक्स्ट 15 ऐड करते जाओ. हाँ जी, 32.5 रेगुलर इंटरवल है ना बेटा, 15 ऐड करते जाओ तो इट विल बी 47.5, देन 62.5, देन 15 ऐड करोगे क्या आएगा, 87, नहीं सॉरी 87 नहीं 77, राइट? 77 यार, 70 ऐड करना. ठीक है, नेक्स्ट 92.5. यस, FIXI 35, इसका क्या होगा 35, 65 नहीं, 65 कैसे, 9 से करना है यार. अच्छा सॉरी, 3 से करोगे ना तो 97.5. अब इसको करो, इट विल बी 5 पॉइंट, मैं यहाँ से देख रही हूँ सॉरी, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टू सेव माय टाइम दैट इज व्हाई 465.0. यस, एंड लास्ट इज 555.5. आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज वी हैव डन दिस अर्लियर एंड यू गाइज आर नॉट टेकिंग अप योर नोटबुक्स, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम हर रोज अलग नोटबुक में काम कर रहे होते हैं, दैट इज द रीजन, राइट? मैम का तो चलो जो पेज है वही मॉडल क्लास का पेज खुला हुआ है, आप लोगों का पास तो सेव रजिस्टर होना चाहिए. कोई नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट खुलने दो फिर बताती हूँ तुम्हारे को. ठीक है, एफ आई क्या हुआ, एफ आई हमें गिवन है आई थिंक इतने स्टूडेंट चाहिए 30. यस, इसका टोटल क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, हमारा जो योद्धा बंदा है वो तो गायब हो गया है, फिर गायब हो गया है, कोई हेल्प नहीं आ रही उसकी तरफ से आज. चलो मीन कैलकुलेट कर. हाँ जी, इधर ही हूँ. चलो अब हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं. देखो बेटा, मीन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई. यस ननिका, इट विल बी ओवर 30. क्या आंसर आएगा बेटा, आई थिंक 62 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, चलो अब हम देखते हैं इसी जो डेटा है इसमें से अब हमें मोड कैलकुलेट करना है. दीपांशु आप ध्यान से सुन लो बेटा, बिकॉज यू वर नॉट देयर तो फिर समझ में नहीं आएगा. ओके, यस तनीषा, यू टेल मी विच क्लास विल बी माय मॉडल क्लास, विच क्लास शुड आई टेक एज माय मॉडल क्लास. मैम 7. 7, वेरी गुड शीतल, नाउ यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी फास्टली, वेरी गुड. तो हम इसके आगे टू सवाल लिख देंगे, ये 0 ये 2. ठीक, यहाँ पे हम साइड पे अपना लिख लेते हैं जो जो हमारे पास आ गया. सो एल इज इक्वल टू 40, ठीक है, एच इज इक्वल टू 15, राइट, एफ नॉट क्या है 3, एफ 1 क्या है बेटा 7, और एफ 2 क्या आ गया 6, राइट. ये हमने सारी चीज लिख ली है, अब हम क्या करेंगे, अपना लगाएंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था एक बार हम रिपीट करते हैं, मोड इज इक्वल टू L plus, yes, it was F1 minus F0, thus number 102 किसका नंबर होता है, एम्बुलेंस, यस, दस नंबर 2 एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल. मैंने तो ऐसे याद किया, आप लोग अपना कुछ बना लेना, राइट. चलो नेक्स्ट, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल हैव द आंसर, राइट. मोड इज 40 प्लस F1 क्या है बेटा हमारा 7, 7 माइनस 3 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, F1 बिकम्स 14 माइनस 3 माइनस 6 मींस इट विल बिकम 9, ओके, इनटू 15, दिस विल बिकम 5. यस बेटा, 40 प्लस 4 अपॉन 5 इनटू 15, यस, ये कट के क्या बना 3, 4 3 इज 12. तो जब आप 40 में 12 प्लस करते हैं तो क्या आएगा बेटा जी,
50 लो जी, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। ओके नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। यस ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, अब हम इसे कॉलम मेथड में अरेंज कर लेते हैं। इट इज 5 to 15 राइट, 15 to 25, 25 to 35, यस 35 to 45, ओके देन 45 to 55, एंड लास्ट इज योर 55 to 65। ओके एंड द फ्रीक्वेंसीज इज गिवन, FI इज गिवन 6, 11, 21, 23, 14 and 5। ओके नाउ ननिका यू टेल मी विच क्लास इंटरवल विल आई चोज एज माय, शुड आई चूज एज माय यस मॉडल क्लास, किसे चूज करें बेटा बताओ। 21 23। यस 23, ठीक है ये रहा 23, ठीक है तनीषा। ओके मैम, ठीक है ननिका। यस तनीषा बेटा, अब मुझे तनीषा आपने बताना है इसमें जो जो मैं आपसे वैल्यू पूछूंगी। पहले तो ये बताओ इसके साइड पे छोटू सा क्या लिखूं? ए वन, ए तो उसमें था मीन में किसमें वन लिखेंगे, ऊपर वाला जीरो और ये टू। ओके नाउ वी विल राइट द थिंग्स एल राइट, देन वी विल राइट F1, F2, F0, वैसे आप F0 सबसे ऊपर भी लिख सकते हो, एंड H, राइट? ओके, व्हाट इज L? क्योंकि ये जो जो भी चीजें आ रही हैं, दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड, राइट? दीपांशु आप सुन रहे हो बेटा, तो समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ जी, L क्या हुआ बेटा इस क्लास इंटरवल में, L क्या है? L इज योर लोअर लिमिट। यस दीपांशु, L क्या है बेटा इस केस में? 55 मेरा बेटा, 55। ये देख ना बच्चे, ये देख लोअर लिमिट क्या हुआ, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ठीक है? इनके बीच का डिफरेंस इज योर रेंज, या हम क्लास इंटरवल बोलते हैं या हम हाइट बोल देते हैं। तो डिफरेंस क्या है? 10, ठीक। अगर जो आपने अभी मुझे बताया जो आप 40 बोल रहे हो, दैट इज योर क्लास मार्क, जिसे हम XI बोलते हैं। हाँ जी, अब F1 क्या है? मैंने 1 किसके आगे लिखा है? 23, वो हमने लेना है मॉडल क्लास का ही। F2 क्या है? जो इसके बाद वाली क्लास है, दैट इज 14। एंड F0 क्या हुआ? जो इससे पहले वाली क्लास है। ओके नाउ शीतल, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला मोड एल प्लस L plus F1 minus F0 upon mid 2FI minus F0 minus F2 bracket H। हाँ जी, वो बेटा FI नहीं है, वो F1 है, ठीक है? बस अब इसमें हमने कुछ नहीं करना, we will just simply put the values and calculate। F1 क्या है? 23 minus 21 over 2F1 क्या बन जाएगा? 2 into 23, मैं straight away यहाँ पे 46 लिख रही हूँ, minus 21 minus 14, okay? And height क्या है हमारी? 10, okay? Now we will simplify this, 35 plus 2 upon, yes, ये बनेगा आपका 35, जब आप इसको minus कर रहे हो, ये 11 आ जाएगा, into 10, right? तो ये क्या बना? 35 plus 20 over 11, हाँ जी। अब मुझे कैलकुलेट करके कौन बताएगा? मेरे ख्याल से दीपांशु है जो बताने वाला है। 1.7 समथिंग आएगा, राइट? 1.72, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 बाय 11 करेंगे तो, राइट? 1.8 आएगा, है ना? 1.818 ऐसे करके आता रहेगा। सो इट इज द आंसर विल बी 36.8। ठीक है बेटा, ये हमारा मोड आ गया। अब बेटा इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द मीन आल्सो, और वो मैं आपको एज होमवर्क। 36.8। हाँ जी बेटा, वेरी गुड।
ठीक है, मीन जो है वो आपने एज होमवर्क करना है. 8181818. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ओके बेटा, मीन की वैल्यू आपने इसमें कैलकुलेट करनी है. हाँ बेटा, और कोशिश ये करना कि जो मीन आपने कैलकुलेट करना है वो अज्यूम मीन मेथड से करना. ठीक है, आपके पास कल का दिन भी है. हाँ जी सॉरी मैम, यही क्वेश्चन करना है ये वाले में ना बेटा. इस क्वेश्चन में गिवन है हमें, एक तो हमें मोड कैलकुलेट करना है और मीन भी कैलकुलेट करना है. तो आई वुड प्रेफर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो आप मीन कैलकुलेट करोगे वो आप अज्यूम मीन मेथड से कर लेना, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज किया है. राइट, ठीक है. तो मैं ये आपको छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, ये कर लेना. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ओके, तो इसका हमें मोड कैलकुलेट करना है. तो हम पहले अपना टेबल बना लेते हैं. ओके चलिए, यस, हम इसे कॉलम मेथड में, कॉलम तरीके से लिख लेते हैं. तो हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो बने 0 से 20, 20 से 40, 52 से बड़ा कोई नंबर नहीं है. देखो जरा एक बारी, 61. Yes. तो हमारी जो मॉडल क्लास है वो ये बन जाएगी. राइट अनीशा, अब मैं 61 के आगे छोटू सा क्या लिखना है मैंने? ठीक है, ये 0 और ये 2. ओके, तो यहाँ पे वी विल राइट डाउन द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मूला. अगर आपको ये याद नहीं आता कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं, तो आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो. एम इज इक्वल टू एल प्लस Yes, F1 minus F0 over 2F1 minus F0 minus F2 whole bracket H. Right? So now here, in this side, you will write down all the things that are required in the formula. ठीक है, this is a kind, मैं आपको शुरू से बोलती रही हूँ कि हमेशा given or to be find out जरूर लिखा करो. इसमें क्या है, हमें confusion नहीं होती बाद में. ठीक है, ओके. सो एल इज, यस बेटा मुझे एल बताओ क्या है. हाँ जी, 60. वेरी गुड. व्हाट इज एच कनिका? 20. यस, व्हाट इज एफ नॉट? इट्स 52. F1 is 61 and F2 is 38. Now we will put all the values, because all the values are given, we just have to put them in the formula. So it is 60 plus, yes beta, fatafat calculation karo. 61 minus 52 over 2F1. Yes, it will be 126 minus 52 minus 38. ठीक है जी. ओके नाउ 90. ओके, अगर आप इसको करो और आप इसे तो है बेटा, हमें एक डेटा गिवन है जिसमें 200 फैमिलीज का ना टोटल मंथली एक्सपेंडिचर बताया हुआ है. ठीक, अब वो मंथली एक्सपेंडिचर जो बताया है हमें उसका मोड कैलकुलेट करना है. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द फ्रीक्वेंसी. ओके, वो समहाउ डिलीट हो गई है. 24, इट्स 40. ठीक है, इट इज 33, 28, देन इट इज 30, 22, 16 एंड 7. राइट, ओके. नाउ ये हमें गिवन है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय मॉडल क्लास? मॉडल क्लास क्या होगी बेटा? 40. यस, वेरी गुड. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास. राइट, ठीक हो गया. अब हमें मॉडल क्लास पता चल गई.
तो हमने क्या लिखना था इसके आगे छोटू सा, वन, ये जीरो और ये टू, राइट। नाउ एल एच एफ नॉट एफ वन एंड एफ टू, राइट। आप फटाफट मुझे बताते जाओ व्हाट इज एल। यस बेटा, व्हाट इज एल? एल इज 1500, एच इज इक्वल टू 40 एंड एफ इज 33, राइट। सबको लर्न भी एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच फॉर द गिवन वैल्यूज इट इज 1500 24 हम लगा लेंगे। ओके 80 माइनस 57, राइट। ठीक है, राइट। ठीक है जी, हाइट क्या है हमारी इंटू, यस। नाउ सॉल्व दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू 1500 प्लस 16 ओवर 20, करना पड़ेगा 800 प्लस 40। यस बेटा जी, क्लियर है? यस। ओके, सो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द मोड, सो दैट इज फाइन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वी हैव टू फाइंड, नो वी डोंट हैव टू फाइंड द मीन, डू वी हैव टू फाइंड? नो वी डोंट हैव टू फाइंड, राइट। It's not there in the question. मेरे पास यहाँ पे टाइप में तो नहीं है। चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। यू हैव टू फाइंड द मोड एंड मीन, राइट। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मोड करके बता रही हूँ, मीन आपका एज होमवर्क होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे हु विल टेल मी द मॉडल क्लास? इट विल बी द 10, राइट। 10 तो 30 से 35 और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10। ओके, सो नाउ आवर एल इज 30, राइट। एच इज 5, एफ नॉट मैंने आपको बोला यहाँ पे छोटी सी अपनी काउंटिंग लिख लो, जिससे क्या है कि हमारा जो कंफ्यूजन ना हो और हमारी वैल्यू जो है वो गलत ना हो। ठीक है जी, 10 एंड एफ टू इज गिवन टू बी। Okay, now the formula is M is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 whole bracket H, right? Now put the given values and you will be having 30 plus F1 is your 10, 10 minus 9 over 20 minus 9 minus 3, right? And the height is 5. Yes? I hope I have put up the right values. Plus 1 by, ye beta 9 or 3 kya ban jayenge beta 12. So, main straight away yahan pe 8 likh rahi hun into 5. Okay? So, this will become 245/8. So your answer will be yes. अगर आप इसको calculate करो तो क्या answer आएगा? Yes बेटा, it will be around 30.6, right? 30.62, right? ये है approximately हम 30.6 ले लेंगे. Is that clear? Mean आपने as homework करना है. Now the next question, okay? Yes. Okay, the next question is, आपको भाई number of runs given है, मैं एक मिनट लिख लेती हूँ, because my frequencies are, I don't know where they have gone. It is 4, 18, then it is 9, 7, 6, 3, 1, 1. Now it is very much clear, highest frequency हमारी क्या है? 18. So I will take the class which represents. ये मेरा क्लास बन गया, जो मेरी क्या बनेगी? मॉडल क्लास। आई विल राइट आउट 1 ओवर हियर, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 2।
राइट. नाउ आई एम गोइंग जस्ट फॉर, मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, लेकिन बेटा आप लोगों ने वो शॉर्टकट नहीं मारना, एल वगैरह सब कुछ लिखना है. सो एम इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, राइट, इंटू एल, राइट. सो एल इज हेयर 4000, एफ वन क्या है 18 माइनस 4, राइट, ओवर 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000, राइट. सो इट विल बी 4000 प्लस 14 ओवर, दिस विल बी 13. तो अगर हम इसमें से 13 माइनस करते हैं तो आई एम लेफ्ट विद 23, इसके आगे ही 1000 लगा देते हैं. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस. तो ये क्या आएगा बता सकते हो, ये मतलब कैलकुलेट करके बता दोगे? वैसे इट इज लाइक 4000 प्लस 26 किया जाएगा 608.69, राइट. यस, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 36.07, ये आपका मोड आ गया. ओके, ताकि आधार ही इसको कर लो. चलो अब मुझे बताओ क्या होगी, कितनी वजह से चला है 20, तो ये 1 ये 0, राइट, और ये 2, राइट. तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, m इज इक्वल टू l माइनस by 2 माइनस u, राइट. तो हमारा इसमें क्या बन जाएगा, ये बेटा 20 माइनस 12 ओवर 40 प्लस 8 ओवर, यस दिस विल बी 24, नॉट रॉन्ग, यस 17, राइट. तो ये क्या बन जाएगा, 40 प्लस लेकिन बेटा जिन जिन क्वेश्चन में आपने मीन कैलकुलेट करना था, दो ही क्वेश्चन है, उन दो क्वेश्चन को कर लेना ताकि आपके एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ में आ गया है मोड, राइट. और नेक्स्ट क्लास में गुड एंड कीप स्टडीइंग. ओके बाय. हाय मैम. बाय बाय. ओके.